हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। प्लीज आप देखेंगे, क्वेश्चंस प्लीज पढ़ेंगे आप। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 2 में है आपका द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द सर्टेन केमिकल मिक्सचर इज 40% ए एट द रेट ऑफ 200, 60% मटेरियल बी दिस, ए स्टैंडर्ड लॉस 10% इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड दे आर यूज, 90 टन्स ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड दे यूज्ड कितना 90 टन्स ऑफ मटेरियल ए एट द रेट ऑफ दिस, 110 टन्स ऑफ मटेरियल बी एट द रेट ऑफ दिस, द वेटेड प्रोड्यूस्ड 182 टन्स ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स, कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस यूजेज एंड मिक्स वेरियंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जब भी ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन किया जाए तो सबसे पहला वर्किंग नोट आपका होता है एक्चुअल आउटपुट, देखते हैं एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ 182 टन्स दिया हुआ। अब दूसरा आपका माइंड में जो सोचना है, हम क्या देखते हैं, दूसरा सोचते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल कॉस्टिंग का है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है कि एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैसे निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड लॉस 10% स्टैंडर्ड लॉस 10% इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन, तो 10% हम सपोज करते हैं इनपुट का 10% मान लीजिए, यहाँ पे दिया नहीं है, जनरली दिया रहता है। तो 10% इनपुट का स्टैंडर्ड लॉस है, मैंने जितना हम इनपुट करेंगे उसका 10% हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 आउटपुट होगा फॉर 100 इनपुट के, मैंने रॉ मटेरियल 100 होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको 1 आउटपुट होगा फॉर 100 डिवाइडेड बाई 90 इनपुट, अब फॉर 182 आउटपुट होगा 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 182, तो यहाँ पे टोटल इनपुट मटेरियल कितना हो जाएगा आपका, टोटल इनपुट हो जाएगा आपका कितना 102, तो 100 डिवाइडेड बाई 90 182, तो ये हो जाएगा 202.22। अब 202.22 हो गया। अब इसमें दो टाइप का मटेरियल है, मटेरियल आपका ए जो है ये 40% है और मटेरियल बी जो है वो कितनी परसेंट है, 60% है। तो एक तीसरा स्टेप क्या होता है, रॉ मटेरियल ए निकालेंगे, रॉ मटेरियल बी निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 40% ऑफ 202.22, 60% ऑफ 202.22, तो ये और यह तो कितना निकल जाएगा 80.88 टन ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 121.33 टन ये हो जाएगा, ये आपका दो हो गया। इतना निकालने के बाद सबसे पहला आपको माइंड में सोचनी है कि सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट देखेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद देखते हैं आपकी टेबल बनाते हैं, टेबल फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, टेबल फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम देखेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट देखते हैं यहां पे, फिर हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड प्राइस देखते हैं, फिर क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट देखा जाता है, फिर यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखा जाता है,
फिर यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी देखी जाती है, फिर यहाँ पे एक्चुअल प्राइस देखा जाता है, फिर एक्चुअल कॉस्ट देखा जाता है। एक्चुअल कॉस्ट, तो हमारे पास दो टाइप का मटेरियल है, एक मटेरियल ए एक मटेरियल बी, दो टाइप का रॉ मटेरियल है। थोड़ा सा इसको प्रोसीड करते हैं। यह मटेरियल आपके पास कितनी है, 80.88 टन्स है, 88 टन्स, और ये मटेरियल 121.33, दैट इक्वल टू 202.22, और ये प्राइस है 200 का और इसकी प्राइस है 300 का, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको रुपीज हो जाएगा, और यहाँ पे ये रुपीज हो जाएगा, ये आपको क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, ये आपका रुपीज में है, ये आपकी रुपीज में है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 16176 हो जाएगा, और 36400 हो जाएगा, 5258 हो जाएगा, 578। एक्चुअल क्वांटिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है, 90 टन्स और 110 टन्स, 180 रुपीज और 340 रुपीज, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा, 180 और यहाँ हो जाएगा 340, तो 16200 हो जाएगा ये, और 37400 ये हो जाएगा, तो आपका ये टोटल 200 है, तो रिवाइज भी आपको 200 होनी चाहिए। इसकी टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 53600। अब देखिए, इतने करने के बाद तीसरे स्टेप के बाद एक फोर्थ स्टेप आता है टेबल को फुलफिल करने के लिए। हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो ये होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन होता है। अब सुनिएगा, हमारे पास एक ए है और दूसरा बी है, तो ए कितनी है, टोटल आपको एक्चुअल 200 है, ये 202.22 है, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ए का यहाँ पे 80.88 है, तो यहाँ लिखेंगे 80.88। बी के केस में टोटल 200 है, 202.22, यहाँ पे 121.33 है, तो यह क्या हो जाएगा, 80 और 120 हो जाएगा, 80, 120, ये दोनों का सम 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 80 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आपको ऐसे समझना पड़ेगा टेबल को। अब टेबल बनने के बाद आपकी बाकी वेरिएंसेस जो है बहुत आसानी से सारी वेरिएंसेस निकल जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारी वेरिएंसेस आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 52578, ये कैसे आया, ये 52578 ये वाला स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट 53600 माइनस 53600, ये आपका रुपीज हो जाएगा 1022.8। अब इसके बाद निकाला जाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो ये होता है स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस
एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसमें आपके पास दो मटेरियल है, एक मटेरियल ए एक मटेरियल बी, तो दोनों का स्टैंडर्ड प्राइस लिख दिया जाता है 200 300। स्टैंडर्ड प्राइस कैसे है, यहाँ पे 200 300, एक्चुअल प्राइस 180 340, एक्चुअल क्वांटिटी 90 110। 200 माइनस 180 और यहाँ पे 340 हो जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 90 है और 110। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रुपीज 1800, ये फेवरेबल हो जाएगा रुपीज 4400 एडवर्स हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा रुपीज 2600 एडवर्स। अब तीसरे में लिखा जाता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब यहाँ पे दो है, एक ए है एक बी है, तो क्वांटिटी में देखते हैं क्या है, 80.88 121.33, एक्चुअल क्वांटिटी 90 110, स्टैंडर्ड प्राइस 200 300। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 80.88 121.33 माइनस 90 110, स्टैंडर्ड प्राइस आपको 200 है, यहाँ पे 300 है, रुपीज यहाँ पे सब रुपीज है, यहाँ पे हो जाएगा 1824, ये एडवर्स हो जाएगा रुपीज 3399 फेवरेबल, 3399 ये फेवरेबल हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा 1578 फेवरेबल। अब इस दोनों को एक साथ करेंगे आप तो दोनों को एक साथ करेंगे प्लस माइनस, तो आपको 2600 माइनस 1578 1022, यहाँ पे 1022 एडवर्स हो जाएगा, तो रिकॉन्साइल हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ठीक है। अब आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालते हैं। रॉ मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे ए है और बी है, दो मटेरियल है, दो मटेरियल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका कितना दिया हुआ है, हमने निकाला है 80 120। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे देखिए 80 है और यहाँ पे 120 है, ठीक है 80 120, ठीक है, और यहाँ पे 90 है और 110। अब स्टैंडर्ड प्राइस देखो बेटा 200 है, 300 है, तो ये जगह 2000 एडवर्स, 3000 फेवरेबल, तो ये जगह 1000 फेवरेबल हो जाएगा।
अब इसके बाद हम निकालते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। रॉ मटेरियल यील्ड वेरिएंस फिर इसमें ए और बी हो गया। अब आपका ये होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हमने निकाला है 80.88, यहाँ पे 80 रुपीज 200, यहाँ पे 121.33 माइनस 120 300, और यहाँ पे हो जाएगा 176 फेवरेबल, 399 ये भी फेवरेबल, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 575 ये आपका फेवरेबल हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1575 फेवरेबल हो जाएगा। ये आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस होनी चाहिए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितनी है, 1578 है। तो थोड़ा सा 3 रुपीज का डिफरेंस है, वो फ्रैक्शन के कारण आया, मैंने पूरी फ्रैक्शन मैंने नहीं लिया है इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।